हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये जो सेशन है ना, ये सेशन है स्पेशली 90 मार्क्स इन अकाउंटिंग के बारे में। मतलब यहां आज हम केवल एक ही बात करेंगे, हाउ टू स्कोर 90 मार्क्स इन अकाउंट्स। सर क्या 90 मार्क्स आ सकते हैं? अरे भाई देखो, ऐसा है, मेरे बच्चों के 95, 92 यहां तक मार्क्स आए हैं। तो अगर उनके आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि बच्चे लेके आए हैं तो आ सकते हैं। नाउ आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द परफेक्ट प्लान टू स्कोर 90 मिनिमम 90 मार्क्स इन अकाउंटिंग। 90 नंबर लाने हैं, कैसे लाने हैं वो इस आधे घंटे से कम की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक एक बात पर यहां पर गौर करेंगे। तो बस आप देखते रहिएगा और साथ चलते रहिएगा कि आप 90 मार्क्स इन अकाउंटिंग कैसे स्कोर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक भी है ना, वो भी यही है कि 90 मार्क्स कैसे लेके आएंगे आप अकाउंटिंग के अंदर। चलिए बात को चालू करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई सीए नकुल कठेरिया। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैं यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड एक JRF क्वालिफाइड फैकल्टी हूं। मेरे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 39, ऑल इंडिया रैंक 4 एंड ऑल इंडिया रैंक 45 भी स्कोर कर चुके हैं। और मैं 2 बुक्स जो कि LexisNexis ने पब्लिश करी हैं, उसका ऑथर भी हूं। आज का जो हमारा डिस्कशन है ना, वो डिस्कशन कंप्लीटली रहने वाला है कि 90 प्लस मार्क्स के लिए प्लान बताइए, 90 प्लस मार्क्स के लिए प्लान बताइए, हाउ टू स्कोर 90 मार्क्स, हाउ मेनी रिविजन्स, सर कितनी रिवीजन हमें करनी पड़ेगी। अरे यही सारे तो आपके मन में डाउट होते हैं यार, यही डाउट होते हैं कि नहीं कि सर रिवीजन कैसे करें, सर कैसा प्लान बनाएं, सर रिवाइज कहां से करें, ऐसा क्या करें, कैसे करें, कहां से रिवाइज करें, और इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग, क्या टिक्के मार के काम चल जाएगा या फिर लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज का जो हमारा सारा डिस्कशन है वो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर रहने वाला है। समझे बात को, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इन 4 पॉइंट्स पे रहने वाला है, हाउ टू स्कोर 90 मार्क्स, अ परफेक्ट 90 मार्क्स प्लान इन अकाउंटिंग। चलिए दोस्त बात को करना चालू करते हैं, और अपनी सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हाउ टू स्कोर। तो हाउ टू स्कोर में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि हाउ 90 प्लस इज पॉसिबल। अब सबसे पहली बात यहां ये आती है मेरे भाई, अगर आप पेपर ही 80 नंबर का करके आओगे तो क्या ICAI कभी आपको 90 मार्क्स देगा क्या? अरे सोच के बताओ मेरे भाई, तुमने पेपर ही 80 नंबर का करा तो क्या ICAI तुमको 90 नंबर दे देगा? मतलब ही पैदा नहीं होता। और सबसे बड़ी गलती यही करते हो आप लोग, क्या कि पेपर ही पूरा नहीं करते। मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट ही ये है, क्या कि अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स पेपर। अगर आप 100 नंबर का पेपर नहीं करके आ रहे हो तो 99% चांसेस हैं कि आपके 90 नंबर आएंगे ही नहीं। इसलिए अगर सोच रहे हो ना क्या कि 90 प्लस लेके आना है, तो याद रखो 100 नंबर का पेपर तो करना ही पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर नहीं करा तो भूल जाओ कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। पहली बात तो यह हो गई कि 100 नंबर का पेपर करना पड़ेगा। अरे सर जी हमने तो पूरा सिलेबस ही नहीं करा तो 100 नंबर का पेपर कैसे कर देंगे? ये भी एक और पॉइंट आता है, क्या कि आपको अपना फुल कवरेज ऑफ सिलेबस करना पड़ेगा। आप
किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। कई बार बच्चे पता है क्या सोचते हैं, एवरेज ड्यू डेट कर लेता हूं, अकाउंट करंट छोड़ देता हूं। याद रखो, तुम ऐसी किस्मत के साथ आए हो, जो तुम छोड़ते हो ना वही पेपर में आता है। मैंने क्या बोला कि तुम ऐसी किस्मत के साथ आए हो, जो तुम छोड़ोगे वही पेपर में आएगा। मेरी स्लाइड्स को ध्यान से देखिए, ये जो मेरे इस पीडीएफ को ध्यान से देखिए, मैंने कोई फैंसी चीज यहां नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि हमारी बातें बिल्कुल सटीक रहने वाली हैं, टू द पॉइंट। तो दो चीजें आपको जरूरी हैं, बिना दो चीजों के आप काम नहीं कर सकते। पहला, आपको फुल कवरेज करनी पड़ेगी, बिना फुल कवरेज के भूल जाइए कि आप 90 नंबर ला सकते हैं। सीधे बोलूंगा, फुल कवरेज नहीं करी तो भैया तुमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल ना हो पाएगा तुमसे। और दूसरी चीज, अगर तुमने पूरा सिलेबस करा लेकिन तुम पेपर 100 नंबर का नहीं करके आए, तो भी भूल जा मेरे बेटा, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कड़क, साफ, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अगर 100 नंबर में करके आओगे, 100 नंबर का सिलेबस पूरा करोगे, तो आपके 90 नंबर आने पॉसिबल हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। इतनी बात सबको समझ में आती है? तो जल्दी से कमेंट में यस करके बताइए कि हां सर आती है, तभी तो बात करेंगे कि हां सर आती है। चलिए जी, ठीक है, इतनी बात सर समझ में आती है, थोड़ा आगे की बात करें। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई सर, तो आगे की बात करें। चलिए, पहली बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं मेरे बेटा दूसरी बात की, हाउ मैनी रिविजन्स फॉर 90 मार्क्स। 90 नंबर के लिए कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए सर जी? 90 नंबर के लिए आपको 3 रिवीजन्स चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने 3 रिवीजन नहीं करी, तो याद रखना, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि तुमको लगे कि तुमको पेपर आता है, तुमको लगे कि तुमने ये सवाल पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उस टॉपिक को रिवाइज ही नहीं करा। रिवीजन का मतलब क्या है और रिवीजन कैसे करें, ये एक बड़ा पॉइंट आता है। सर कितनी रिवीजन चाहिए? रिवीजन तो चाहिए भैया 3। अब बात आती है सर 90 नंबर के लिए रिवाइज कैसे करो। पहला मेरा बात है कि कॉन्करंट रिवीजन करिए। कॉन्करंट रिवीजन मतलब, कॉन्करंट रिवीजन मतलब कि ये बिल्कुल भी इंतजार ना करें, ये बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि जब आपका सिलेबस खत्म होगा तब आप रिवाइज करेंगे। सिलेबस खत्म होगा तब आप रिवाइज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर ऐसा सोचोगे तो आप खुद सोचो, आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस 3 महीने चलता है, इसका मतलब 3 महीने तक तो आपने कुछ करा ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 3 महीने तक तो आपने कुछ करा ही नहीं, आप अपना कोर्स करने में लगे हुए हो। 3 महीने में तो 2 बार रिवीजन हो सकती है मेरे दोस्त। कॉन्करेंट रिवीजन, चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर चालू, पिछले वाले की रिवीजन, अगला चैप्टर खत्म, उससे अगले वाले की रिवीजन, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। कॉन्करेंट रिवीजन सर। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, हाउ फ्रीक्वेंट रिवीजन। सर रिवीजन कैसे करनी पड़ेगी? बेटा याद रखिए, हर 15 डेज में, हर 21 डेज में आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर कोई चैप्टर तुमने एक बार पढ़ा और अगर उसको महीने में दोबारा खोल के नहीं देखा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं तुम वो चैप्टर भूल चुके होगे। मैंने क्या बोला? मैं आपको गारंटी देता हूं कि तुम वो चैप्टर भूल चुके होगे, फिर तुम्हें याद ही नहीं होगा वो। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर लंबा टाइम लगाना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। भाई ऐसा काम ना करें। तो कितने रिवीजन चाहिए जल्दी बोलो, कम ऑन, कितनी रिवीजन चाहिए? सर 3 रिवीजन चाहिए। कितने टाइम में रिवाइज करना है? हर एक चैप्टर 15 से 21 दिन में रिवाइज होना चाहिए दोबारा।
15 से 21 दिन में चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। सर अब एक बात और बताओ, जब रिवीजन करेंगे तो किस प्रकार से रिवीजन करें, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। मैं बताता हूँ बच्चों, फ्रॉम वेयर टू रिवाइज। यार बात को समझो, इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मटेरियल दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मैट दिया है कि नहीं दिया है? इंस्टीट्यूट आपको आरटीपी देता है कि नहीं देता? इंस्टीट्यूट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है कि नहीं देता? इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले मॉक टेस्ट पेपर निकालता है कि नहीं निकालता? अरे यार वही बात है ना, हम लोग इंसान हैं और इंसान की फितरत होती है मेरे बेटा कि जो उसके पास है उसकी इंपॉर्टेंस उसको होती ही नहीं। यही आपके साथ भी होता है, इतना सारा सामान आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है लेकिन आप कहते हो अरे तूने वहां की किताब कर ली क्या, तूने उस ऑथर की किताब कर ली क्या, उस टीचर की किताब कर ली क्या? अबे पहले ये तो कर लो भैया, पहले ये तो कर लो। मैं इस YouTube चैनल पर गारंटी लेता हूं, जिस बच्चे ने स्टडी मैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर करे होंगे, पूरे पूरे करे होंगे, अगर उसके 80-90 नंबर ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा भाई, एक एक कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, अगर ना आए तो नाम बदल देना, गारंटी के साथ बोलता हूं। अब अगली बात जो आती है वो क्या आती है, अगली बात जो आती है मेरे बेटा वो आती है हमारी इसकी, किस चीज की? अगली बात जो आती है वो आती है मेरी यहां पर, हाँ जी, तो जब हम अगली बात की बात कर रहे थे तो अगली बात के अंदर जो बात थी वो थी फ्रॉम वेयर टू रिवाइज। रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके अलावा और कुछ तुम्हें करना ही नहीं। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग टेक्निक, कि सर ये राइटिंग जो करनी है, ये पेपर जो करना है, ये कैसे करना है। भाई बात को समझ लो क्या, कि देखो ये बात पक्की है कि ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको लिखना तो पड़ेगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी फॉर्मेट बना रहे हैं, अपनी मर्जी से बना रहे हैं, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। राइटिंग की यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एग्जामिनर आपके मन में झांक के नहीं देखेगा, एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जामिनर आपके मन में झांक के नहीं देखेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ेगा। और जब एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ेगा तो उसको पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए, इसीलिए राइटिंग, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना राइटिंग के प्रैक्टिस के आप काम नहीं कर पाएंगे, बिना राइटिंग की प्रैक्टिस के आप काम नहीं कर पाएंगे। मतलब सर पता है क्या होता है, जब आप लोग रिवाइज करते हो ना तो पता है कैसे करते हैं बच्चे रिवाइज, मैंने देखा है करते हुए, क्या करते हैं, क्वेश्चन खोला, कैलकुलेटर खोला, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करी, अच्छा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस, नो निकाला कैलकुलेटर में आंसर, सॉल्यूशन साथ में लगा होता है, चेक करा कैलकुलेटर वाला आंसर सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, लगा दिया टिक। भाई ये सबसे ज्यादा खराब अप्रोच है, ये अप्रोच आपको फॉलो नहीं करनी। मैंने क्या बोला, ये अप्रोच सबसे ज्यादा खराब अप्रोच है, ये अप्रोच आपको फॉलो नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, ये बहुत गलत चीज हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाएगी, ये आपको नहीं करना। राइटिंग जब मैं कह रहा हूं राइटिंग प्रैक्टिस, इसका मतलब आपको फुल राइटिंग करनी है, आपको फुल क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर
बात आती है, आपको फुल वर्किंग नोट्स बनाने हैं, और वो वर्किंग नोट्स केवल बनाने नहीं है, आंसर में उसका रेफरेंस भी देना है। ये वो बातें हैं जो आपको 90+, आप खुद सोचो ना, एक 90 वाले के आंसर भी वही होते हैं और एक 70 वाले के आंसर भी वही होते हैं, तो फिर उसने 90 क्यों लाए और उसने 70 क्यों लाए? प्रेजेंटेशन मैटर्स। 90 वाले की प्रेजेंटेशन एक अलग ही लेवल पर होती है और 70 वाले की प्रेजेंटेशन 90 वाले से कम होती है। मेरे इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छा अच्छा काम होगा आपके लिए मेरे भाई। और सुनिए ध्यान से, ये देखो, ये आ रहा है आपका कॉमर्स मार्गदर्शन। ट्यूसडे से संडे 6 एपिसोड में आपका ये चलेगा और डेली टाइम भी फिक्स है, 5 बजे आना। और क्या चाहिए आप? 5 बजे डेली फिक्स है कि कॉमर्स मार्गदर्शन आपके लिए आएगा, जहां हम केवल और केवल सीए की बात नहीं करेंगे, या हम 12th के बाद आपके करियर में कौन कौन से ऑप्शंस खुलते हैं अगर आपके पास कॉमर्स है, हम उसकी बात करेंगे। क्या आप साइंस वाले हो और कॉमर्स में आना चाहते हो तो क्या आ सकते हो, या एंट्री ब्लॉक ही हो गई है? आ सकते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे। सर क्या जॉब वगैरह लग जाएगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे मेरे बेटा जी। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा पूरा फुल फ्लेज बैच ही हमने YouTube पर चला दिया है आप लोगों के लिए। जा मैथ्स मंडे से फ्राइडे 7 से 7:45 होगी, अकाउंट्स मंडे से फ्राइडे 8 से 8:30 होगी, इको बीसी के 9 से 9:30 होगी, बीसीआर 9 से 9:30 होगी। तो सर 9 से 9:30 मतलब मंडे से थर्सडे इको एंड बीसी के होगी, फ्राइडे को बीसीआर होगी। लो शांतम सर मंडे टू वेडनेसडे पढ़ाएंगे 9:30 से 10 बजे तक, और अंकित ओब्रॉय सर थर्सडे एंड फ्राइडे पढ़ाएंगे 9:30 से 10 बजे तक। मतलब डेली 7 से 10 बैठिए, काम करिए, ये बहुत जरूरी है। आखिरी बात, डिटेल में पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे आरटीपी एमटीपी करने हैं, तो मेरे बच्चों बिल्कुल देर ना करें और इस महाबली बैच को ज्वाइन करें। ये महाबली बैच जो दिसंबर 2023 के लिए है, ये आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको जितनी भी फैकल्टीज दिख रही हैं, ये अपनी अपनी फील्ड में महारथी हैं, इनके पास 10 से ज्यादा साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 20 सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपके होने वाले हैं, जहां पर आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे, 7,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको देंगे, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सारी फैकल्टीज के नोट्स केवल एक क्लिक दूर हैं आपसे। अनअकैडमी ने दिसंबर में पूरी इंडिया के सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जहां 1,250 से ज्यादा लोग सीए फाउंडेशन क्लियर हुए हैं। टॉप स्कोर शायद इंडिया का सबसे ज्यादा 359 रहा है, जिसमें से 128 से ज्यादा बच्चों ने 400 में से 300 नंबर लेके आए। अपने घर पर बैठ के इस कंफर्ट के अंदर, जहां आपका ट्रैवल का टाइम बचेगा, जहां आपको तैयार होने का टाइम बचेगा, इससे ज्यादा बढ़िया चीज और क्या हो सकती है? सब्सक्राइब करें और भूल ना जाना, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहां CANK10 लगाना, CANK मतलब नकुल कठेरिया 10। 12 तारीख से बैच स्टार्ट है, आपका इंतजार रहेगा दोस्त। कल इसी सेशन में आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, टाटा।